क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। ओके गाइस, सो मैं जल्दी से क्रिप्टोपली के रूल्स बता देता हूँ। एवरी टाइम यू रोल द डाइस यू माइन एज मेनी क्रिप्टोपली कॉइंस एज द टोटल ऑफ योर डाइस एंड मूव दोज मेनी स्टेप्स। और बाय द वे, इसमें बैंक नहीं होता। क्रिप्टो इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, सो हम सब एक दूसरे के लेजर हैं। कल तो तू कह रहा था हम दोस्त है, आज लेजर बना दिया। पूरे बोर्ड पे सारी प्रॉपर्टीज क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स हैं एंड द मोर माइंस यू ओन द मोर कॉइंस यू हैव। तू ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बस कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहा है? मैं यहाँ पे रूल समझा रहा हूँ। कोई बहाना ढूंढ रहा हूँ ताकि ये बच्चों वाला गेम नहीं खेलना पड़े। Every time you cross start, you get 200 coins in a crypto token of your choice. End में जिसके सबसे ज्यादा value के coins होंगे वो ही winner होगा। और अपने crypto coins को हमेशा संभाल के store करना चाहिए। Storage devices दो अपने। ये क्या है? भाई अब कॉइन्स है तो इसमें स्टोर करूंगा ना। भाई ये क्रिप्टो कॉइन्स है, इनको कोल्ड वॉलेट्स में रखना होता है। ओह, तो अगर मैं इसको फ्रिज में रख दूं तो ये कोल्ड वॉलेट हो जाएगा? ये ले जीत, तेरी चांस। क्या बात है, तुमने तो बहुत कॉइन्स माइन कर लिए। तो क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सेविंग्स इंपॉर्टेंट है भाई, आज तो मैं सिर्फ होल्ड करूंगा। ए जीत, तो तुझे रेंट देना पड़ेगा। कितना रेंट? एक मिनट। ठीक है भाई, जब तक मेरी FD है तब तक तो मैं सेफ हूँ। कोई बात नहीं, जब तक मेरी सेविंग्स है तब तक सेफ हूँ। कोई बात नहीं, एक दिन तो मेरा प्रॉफिट जरूर होगा। कोई बात नहीं, बट रेंट तो देना पड़ेगा यार, और रूल्स के हिसाब से 30% टैक्स भी लगेगा। सॉरी। थैंक यू। यू जस्ट लैंडेड एट द सातोशी फार्म, खरीदना है? एक सेकेंड। भाई मैं स्कूल में सोचता था कि सेट स्क्वायर किस काम आता है यार, आज पता लगा ये तो क्रिप्टो के लिए। सर आपकी कैलकुलेशन हो गई तो हम गेम खेले। I am buying this mining farm. अरे यार ये एनीवे सब कुछ खरीद रहा है, तो ये इतना कैलकुलेट क्या कर रहा है? क्रिप्टो में ना हमेशा खुद ही रिसर्च करनी चाहिए। और मैंने कब बोला कि मैं सब कुछ खरीद रहा हूँ? एक इथेरियम फार्म दे दो, ये पॉलीगन फार्म भी दे दो, पॉलीगन फार्म भी दे दो, बाइनेंस फार्म लाओ ना, बीएक डोज फार्म भी, एक फार्म हाउस पिज़्ज़ा भी चाहिए। यार हम तो क्रिप्टो पॉली खेलने आए थे, बट इसके इतने सारे फार्म देख के फेसबुक वाले फार्म मिल के याद आ गई। जहाँ भी है माइन, इट हैज टू बी माइन। पर चलो तुम लोगों की खुशी के लिए। हेलो शार्क्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आई एम ऑफरिंग अ 10% स्टेक इन माय क्रिप्टोपॉली कॉइन माइंस एट अ वैल्यूएशन ऑफ ढेर सारे क्रिप्टोपॉली कॉइंस। ढेर सारे क्रिप्टोपॉली कॉइंस, आई थिंक थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, हर बार आपसे ही लेते हैं भैया, थोड़ी सही रेट लगाओ ना। मैं तो खुद लोन लेके बैठा हूँ, आई एम आउट भाई। एक सेकेंड, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई है, सादत की इतनी बड़ी सेल की वजह से क्रिप्टो पॉलीकॉइन की वैल्यू कम होने लगी है। ओनो, वेट, ट्वीट कर देता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। एक सेकेंड, ये तो चीटिंग है, गेम के बीच में ट्वीट करना अलाउड ही नहीं है। तो करंट रेट के हिसाब से वैल्यूएशन हुआ 2 rupees पर सेल। क्या हो गया तो जमीनायक, देखो तो पहले खेलना भी नहीं था गेम। यार शुरू मजबूरी में किया था, बट अब मजा आ रहा है। अब तो मैं भी सारी प्रॉपर्टीज खरीद सकता हूँ। इलॉन के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। रेट्स वापस नॉर्मल होने लगे। इलॉन भाई तो क्या मस्त काम करता है, तुम साले छपरी चप्पल चोर नल्ले बेरोजगार, तुम्हारे रेट्स वापस गिरने लगे हैं। गाइस गाइस वी आर लाइक अ फैमिली, कॉइन मिले मेरा तुम्हारा तो प्रॉफिट बने हमारा। रेट्स वापस नॉर्मल होने लगे हैं, भाड़ में जाए रेट्स, मुझे नहीं बेचना कुछ भी। रे ये तो दोगलापन है, मैं आग लगा दूंगा इस गेम पे अभी। एक्सक्यूज मी, आग लगाने वाला शो दूसरा है, आप मुंबई नहीं आ सकते। नेक्स्ट गाइस, और कब तक चलेगा ये गेम? हम बस कॉइन्स माइन किए जा रहे हैं। जैसे दुनिया में एक फाइनाइट नंबर ऑफ बिटकॉइंस है, वैसे क्रिप्टोपॉली कॉइंस भी फाइनाइट है।
सो अब जो कॉइन्स टेबल पे वो ही माइन होंगे। ये डाइस पे फाइव रोल करेगा क्योंकि हाथ का एंगल लेफ्ट को है, लेकिन इसका थंब राइट को है। ये थ्री रोल करेगा, लेफ्ट या राइट, फाइव या थ्री, या खुदा ये तो डबल रोल करेगा। आई एम सॉरी विनायक, बट तीन डबल रोल का मतलब है यू विल हैव टू गो टू द जेल। ओ बट दिस इज क्रिप्टोपली, सो देयर इज नो जेल। ओ देयर इज अ ट्विटर जेल। नो, ट्विटर से तुझे सिर्फ एक इंसान बता सकता है। कौन? ओनली दिस कार्ड कैन सेव यू, पर तुझे ये $8 का पड़ेगा। $8? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? भाई ने बोला डॉलर देने का तो देने का। वैभव, इज देयर एनी अदर वे? भाई इससे पहले कि हम सड़क पे आ जाए, इस गेम को खत्म करें। एक मिनट, पहले थोड़ा ग्रैंड फिनाले वाला माहौल बनाते हैं। नाइस, लेट्स डू दिस। मैं प्रॉपर्टी ट्रेड करूंगा, मैं होटल खरीदूंगा, मैं मॉर्गेज करूंगा, मैं ऑमलेट खाऊंगा। एक मिनट, ये कैसा राउंड है? मैं अकेला हूँ जो रूल्स के हिसाब से खेल रहा हूँ। चीटिंग कर रहे हैं। मुझे तुम लोगों की बातों में आना ही नहीं चाहिए था। जीतने टोकन वापस लो। और ये किसने लिखा है गो बैक थ्री स्पेसेस? इस पे लिखना चाहिए था गो बैक टू बार्टर सिस्टम। साइमन गो बैक, जीत गो बैक। गाइस, लूडो खेले क्या? क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।